कैंडी क्रश, कॉल ऑफ ड्यूटी और कई तरह के मोबाइल गेम्स ने लोगों को एडिक्ट बना दिया है। मेट्रो हो या ऑफिस लिफ्ट, आपको कोई ना कोई व्यक्ति कैंडी क्रश में कलर मैच करता दिख ही जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गेम्स हमारे समय के अलावा हमसे क्या चुरा रहे हैं? तो इसका जवाब दिया है साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्फशार्क की एक रिपोर्ट ने, जिसका नाम है गेम ऑन। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के सबसे डेटा हंग्री गेम ऐप्स कौन से हैं, यानी किन गेमिंग ऐप्स को आपके डेटा की सबसे ज्यादा भूख है। इस रिपोर्ट में 8-Ball Pool ने टॉप किया है, वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर सबवे सर्फर और गार्डन स्केप्स का था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर डेटा की भूख क्या होती है, तो आपको बता दें हर गेमिंग ऐप को किसी न किसी देश में विकसित किया जाता है और ये ऐप्स आपका डेटा इकट्ठा करके अपने ही देश की कंपनियों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, आपने फ्रांस के किसी ऐप को भारत में डाउनलोड किया और उस पर गेमिंग करना शुरू किया, तो ये ऐप्स आपसे डेटा कलेक्ट करते हैं और अपने देश की कंपनियों के साथ साझा भी करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि सर्फशार्क की रिपोर्ट में क्या सामने आया है। बता दें इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 50 गेमिंग ऐप्स का सर्वे किया गया, जिनमें से 38 ऐप्स ऐसे निकले जिनमें डेटा हंगर सबसे ज्यादा था। अगर इस लिस्ट पर एक नजर डालें तो 8-Ball Pool, सबवे सर्फर, गार्डन स्केप्स, एग पार्टी और पार्किंग जैम 3D टॉप 5 में रहे। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि फ्रांस सबसे ज्यादा डेटा हंगरी ऐप्स बनाता है। दूसरे नंबर पर साइप्रस है, जहां के 21 ऐप्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा करते हैं। खैर, इस रिपोर्ट में सिर्फ समस्या ही नहीं बल्कि उसका समाधान भी दिया गया है। क्या है वो समाधान, आइए समझते हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि डेटा कलेक्ट करने का परमिशन इन ऐप्स को हम जैसे यूजर से ही मिलता है, इसलिए जरूरी है कि जब हम कोई गेम अपने फोन में इंस्टॉल करें तो उसे दिए जाने वाले परमिशंस को ध्यान से पढ़ें। ऐसे किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें जो आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी ऐप से शेयर करता हो। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि किसी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद क्या आपके फोन पर मार्केटिंग नोटिफिकेशन एड्स बढ़ तो नहीं गए हैं, और अगर कुछ भी आप सेंस करें तो सबसे पहले उस ऐप को अपने फोन से डिलीट कर दें, उसकी परमिशन को बैन कर दें और कुछ हद तक कोशिश करें कि इन ऐप्स को इंस्टॉल करने से ही आप बचें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें जागरण बिजनेस।